पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और पदक मिला है। 50 मीटर एयर राइफल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल भारत ने अपने नाम किया है। शूटर स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक में भारत का ये तीसरा मेडल है। इससे पहले मनु भाकर मेडल जीत चुकी है, दो मेडल उन्होंने भी अपने नाम किए। ओलंपिक इतिहास की अगर बात करें तो स्वप्निल मेडल जीतने वाले 7वें भारतीय शूटर हैं। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग के क्वालिफिकेशन राउंड बुधवार को खेले गए थे और भारतीय शूटर स्वप्निल कुसाले ने कुल 590 के स्कोर के साथ फाइनल में जगह बनाई थी। उन्होंने नीलिंग में 198, प्रोन में 197 और स्टैंडिंग में 195 का स्कोर किया था। कुसाले गुरुवार को भी भारत की करोड़ों उम्मीदों पर खरे उतरे और देश को मेडल दिला दिया। तो एक और मेडल भारत ने अपने नाम किया है, तीसरा मेडल भारत को मिला है और स्वप्निल कुसाले ने मेडल अपने नाम किया है। शूटर स्वप्निल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देश की उम्मीदों पर खरे उतरे स्वप्निल और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय शूटर स्वप्निल कुसाले ने कुल 590 के स्कोर के साथ फाइनल में अपनी जगह बनाई थी और एक और मेडल भारत के नाम हो गया है। अब तक कुल 3 मेडल पेरिस ओलंपिक में भारत जीत चुका है और इससे पहले 2 मेडल मनु भाकर ने भी जीते हैं, अपने नाम किए हैं और इसके बाद तीसरा मेडल स्वप्निल कुसाले ने जीता। वो अभी भी पेरिस ओलंपिक में कई ऐसे खेल हैं जो कि जारी हैं और उसमें भी भारत को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन अभी ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां 50 मीटर एयर राइफल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है स्वप्निल ने। शूटर स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक में और ये भारत का तीसरा मेडल है। तो 3 मेडल अब तक भारत ने अपने नाम किए हैं और तीनों ब्रॉन्ज मेडल हालांकि भारत की झोली में आए हैं, लेकिन आगे और भी खिलाड़ियों से भारत की जनता उम्मीद लगाए बैठी है। तो पेरिस में अभी भी कई खेल ऐसे हैं जो कि अपने अंतिम नतीजे पर अभी नहीं पहुंचे, लेकिन 3 मेडल भारत ने अपने नाम कर लिए हैं।